रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। अधिकार का सम्मान, 100% मतदान, जागरूक मतदाता, लोकतंत्र की पहचान। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। हेलो दोस्तों, रेडियो हेलो वोटर्स पर सभी लिसनर्स का स्वागत है। आपकी मतदाता दोस्त हाजिर है आपकी खिदमत में। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपकी मतदाता दोस्त के साथ एक मतदाता साथी भी स्टूडियो में विराजमान है। दोस्तों, पिछले दिनों देश भर में खूब जश्न का माहौल रहा, और भाई हो भी क्यों ना, हमारे देश के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कई कारनामे जो कर दिखाए। बिल्कुल, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर टोक्यो ओलंपिक को भारत के लिए ऐतिहासिक जो बना दिया। करेक्ट, और भारत ने इसमें 7 पदक अपने नाम किए, और इस खुशी में 4 चांद लगा दिए हमारे ECI आइकन देवेंद्र झाझरिया ने। देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने का कारनामा कर दिखाया। बिल्कुल, और तुम्हें बताए, राजस्थान के चुरू जिले के देवेंद्र झाझरिया ने इससे पहले 2004 के एथेंस पैरालंपिक और 2016 के रियो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था। करेक्ट, और ये पैरालंपिक में तीसरे स्वर्ण पदक की हैट्रिक से चूके जरूर, लेकिन सिल्वर मेडल जीतकर 3 बार पदक जीतने का कारनामा जरूर कर दिखाया। इसीलिए कहते हैं, दुनिया में हर मुश्किल आसान की जा सकती है अगर आपके भीतर हौसला है, हिम्मत है, जैसा कि हमारे आइकन देवेंद्र झाझरिया ने कर दिखाया है। और आप सभी लिसनर्स के लिए उनके पास एक मैसेज है, तो आइए सुनते हैं। हेलो, मैं देवेंद्र झाझरिया, भारत के लिए मैं भाला फेंक प्रतियोगिता में देश के लिए जी जान लड़ा देता हूँ। जिस तरह विजेता होने के लिए हर प्रयास सटीक होना जरूरी है, उसी तरह सुदृढ़ राष्ट्र के लिए प्रत्येक मत जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग की अभिनव पहल रेडियो हेलो वोटर के लिए मैं तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। आयोग की इस नई पहल रेडियो हेलो वोटर के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हर वोट जरूरी है। तो ये थे हमारे आइकन देवेंद्र झाझरिया। देश में खुशियों का माहौल है, और भाई हो भी क्यों ना, हमारे खिलाड़ियों ने अपनी कड़ी मेहनत से देश के लिए अवार्ड जो जीते हैं। तो जब खुशी इतनी बड़ी हो तो देश भर में जश्न का माहौल होना तो लाजमी है ना, और देश में इलेक्शन का दौर भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है ना। बिल्कुल भाई, विश्व में हमारे देश को सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव जो प्राप्त है, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनने में देशवासियों के मन में चुनाव प्रक्रिया और प्रशासन में विश्वास का होना, और वो विश्वास है हर देशवासी का मत, जिसका दान कर हर बार वो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि ये लोकतंत्र विश्व पटल पर यूं ही चमकता रहे। बिल्कुल इंश्योर करता है, और ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। इसीलिए सभी देशवासी जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, उन्हें चुनाव के दौरान अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए, वोट करना चाहिए, क्योंकि आपका हर एक वोट कीमती होता है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग नए नए इनिशिएटिव लेकर ये तय करता है कि अधिक से अधिक वोटिंग हो, यानी कि चुनाव के दौरान वोटर्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और वो भी सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि बिना किसी बाधा के इलेक्शन अंजाम तक पहुँचे। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी हर मुमकिन कोशिशों के जरिए मतदाताओं को हर छोटी से छोटी सुविधा मुहैया कराता है, और 100% ये कोशिशें तब कामयाब होती हैं जब हर वोटर घर से निकले और वोट करे, और आपके एक कीमती वोट से ही चुनाव प्रक्रिया सफल होती है। इसलिए मतदान अवश्य करें, और वो भी ईमानदारी से, पूरी नैतिकता के साथ। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि हमेशा एथिकल वोटिंग हो। करेक्ट, और हर मतदाता तक पहुंचकर ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता छूटे ना। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, अगर चुनाव में वोट के लिए प्रलोभन देना अपराध है, तो प्रलोभन में आकर वोट देना भी अपराध है। बिल्कुल है, मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब, धन का प्रयोग, मतदाताओं को धमकाना, ये सब भी अपराध की कैटेगरी में आता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी अपना उम्मीदवार चुनने के लिए वोट करें, तो बिना किसी डर के वोट करें। कभी भी धन से प्रेरित ना हो,
जाति और धर्म के आधार पर कभी वोट ना करें। मतदान के लिए रिश्वत देना और लेना चुनावी अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए कानूनी तौर पर प्रावधान है। बिल्कुल। अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए कानूनी कार्रवाई तो की ही जाती है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन भी ढूंढ निकाला है। और इस समाधान ने तो एक आम नागरिक को भी ऐसी शक्ति दी है जिससे वो भी ऐसी गतिविधियों पर नजर रख सकता है और उसकी शिकायत भी कर सकता है। क्या है उसका उपाय, अभी करेंगे आपके साथ शेयर। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्पविराम। अल्पविराम यानी अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान। फर्ज हमारा सबसे पहले मन का मतलब जाने हम। इसकी ताकत इसकी फितरत अच्छे से पहचाने हम। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। जानकारियां कितनी भी हो मानो सभी अधूरी है। वोट हमारा किसको जाए इस पे ध्यान जरूरी है। लालच धमकी बेईमानी का ना कोई इसमें रोल है। मत का मोल नहीं गए कोई, ये तो बस अनमोल है। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हेलो, मी आहे सोलापूर महाराष्ट्र हून। കേരളത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ ഹലോ വോട്ടേഴ്സ്. ഓരോ വോട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. So we are right back after the short break. You are listening to Web Radio Hello Voters. Har vote hai zaruri. To hum baat kar rahe the ethical voting ki aur ek aise mechanism ki जो चुनाव के दौरान अनएथिकल एक्टिविटीज पर रोक लगाने में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल, अनैतिक गतिविधियों पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर हमेशा रहती है, क्योंकि इसका मकसद है कि एथिकल वोटिंग हो, देश में हो रहे हर एक चुनाव को सफल बनाना और हर देशवासी को मतदान के प्रति जागरूक करना। बिल्कुल, तो अनैतिक और अवैध गतिविधि को ना करेंगे ना आसपास होने देंगे। बिल्कुल, उसके लिए आइए मिलकर लेते हैं एक शपथ और जिस पर जीवन भर कायम रहेंगे और देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक शपथ लें, एक प्रण करें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वाओ, हर एक नागरिक को ये प्लेज लेनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो अवैध गतिविधियां करने वालों में डर पैदा करता है, वो मैकेनिज्म है सी विजिल ऐप, जिसके सहारे एक आम नागरिक भी गलत गतिविधियों के बारे में ECI को इन्फॉर्म कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। बिना भेदभाव, बिना किसी बाधा के चुनाव को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, उसी कड़ी में ECI की ये एक बड़ी पहल है। करेक्ट फ्रेंड्स, वोटर्स को और भी सशक्त बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एक मोबाइल ऐप बनाया गया है और इस ऐप की मदद से कोई भी अपने एरिया में हो रहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की फोटो या वीडियो आयोग को भेज सकता है। और हाँ, हर मामले की जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो है ना ये एक ऐसा समाधान जो लगाता है गलत गतिविधियों पर पूर्ण विराम। बिल्कुल। अब आपको लेकर चलते हैं राम अवतार के घर। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये राम अवतार कौन है और हमारे बीच कहां से आ गए? तो कौन है राम अवतार और क्या हुआ उनके साथ, आइए सुनते हैं चुनाव चौपाल में। सुनते रहिए रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स पर अब वक्त है चुनाव चौपाल का।
रामोदार, ओ रामोदार, पता नहीं कहाँ गायब है कल से। इस ससुराल तो नहीं निकल गया मेहमानदारी में। रामोदार, ओ रामोदार, अरे पता नहीं कौन है कि बाड़े पीटे जा रहा है तब से। अरे सुबेदार जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सुशीला। अरे कहाँ गायब है ये? और ये ओहो, ये रामोदार तो ऐसा गया है जैसे जानवरों की जाति विलुप्त हो जाती है। मतलब हम समझे नहीं सुबेदार। अरे मतलब छोड़ो, ये बताओ सुशीला कि रामोदार है कहाँ? मैं कब से चक्कर काट रहा हूँ, कल भी आया था तो ताला पड़ा था घर में। दवाई लेने गए थे पिंकी बिटिया की, तभी ठीक नहीं थी ना, बुखार आ गया था उसे। अच्छा, ओ माँ, अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, दवाई बहुत बढ़िया दी थी डॉक्टर साहब ने। अरे वो तो 2-4 दिन के लिए मेरे घर चले गए हैं, कह रहे थे मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तो आ जाऊंगा। वैसे आपके काम की बात कर रहे थे कि आते ही सुबेदार साहब की जुताई का काम निपटाना है। अरे वही तो, खेत पड़ा है कब से, जुताई कर देता तो समय से बुआई भी हो जाएगी। कहकर गए हैं सोमवार तक आ जाएंगे। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अंडरग्राउंड हो गया? मेरी बात बताओ, ससुराल कहीं दावत उड़ाने तो नहीं निकल लिया है? आखिर पता तो लगे बात है क्या। आप उन्हीं से पूछना सुबेदार जी, अब मैं क्या कहूँ, 2 दिन की ही बात है, जैसे ही आते मैं भेज दूंगी आपके पास। ठीक है, लेकिन हाँ सुशीला, कोई खास बात है तो बता दो मुझे। क्या कहूँ सुबेदार जी, वो जगदीश और प्रताप है ना, कई लोगों के साथ इनके पास 2-3 बार आ चुके हैं। ओहो, तो ये बात है, समझ गया। हाँ, पैसे वैसे दे रहे थे कुछ, और कह रहे थे जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही करो। अच्छा, तू घबरा नहीं, जैसे ही राम अवतार आए मेरे पास भेज देना, ठीक है? और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत बता देना, खबर कर देना मुझे। जरूर खबर कर दूंगी, जैसे ही आते हैं भेजती हूँ इन्हें आपके पास। ठीक है, और हाँ पिंकी बिटिया का ध्यान रखना, ठीक है? चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सुबेदार जी। अरे नमस्ते रामोतार, आजा। अरे भाई कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, और तेरे घर के कितने चक्कर काटे हैं मैंने। अरे आते ही आ गया मैं, सुशीला बता रही थी कि सुबेदार जी कई बार आकर गए हैं। अरे खेतों की वजह से परेशान था भाई मैं तो आ ही गया हूँ सुबेदार जी, 3-4 दिनों में सारे खेतों की जुताई हो जाएगी, ट्रैक्टर रेडी करके आया हूँ। अच्छा ठीक है, पर ये तो बता बात क्या है जो तू घर से भाग गया। अरे भागा नहीं था सुबेदार जी, बस कुछ दिन के लिए घर से चला गया था, जिससे कुछ लोगों की नजरों से दूर हो जाऊं। और मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ, कई लोग हैं जो मेरी जैसी मुश्किल में फंसे हैं। ये ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसका हल नहीं, तू बात तो बता। अरे पूरी जिंदगी फौज में मुश्किलों का सामना करके दुश्मनों के दांत खट्टे करता रहा हूँ, तू बात तो बता, बात क्या है? बात कुछ नहीं, बस इतनी सी है कि जगदीश और प्रताप दोनों अपने आदमियों के साथ 2-3 बार घर पर आए और एक ही रट लगाई हुई है। एक ही रट? हाँ, क्या? मुझे प्रलोभन दे रहे हैं पैसों का, एक काम करने के लिए। और सही बताऊं तो पैसे क्या, रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत। रिश्वत? और उसके बदले क्या चाहिए उन्हें? मेरे परिवार के वोट। ओ, ये हिम्मत उनकी के रिश्वत देकर वोट खरीद रहे हैं? जी हाँ, रिश्वत देकर कह रहे हैं कि मैं उनके उम्मीदवार को ही वोट दूं। अब आप ही बताइए सुबेदार जी कि मैं क्या करूं, ये तो गलत है ना, वोट तो मेरा है और ये मेरा अधिकार है कि मैं जिसे चाहूं उसे वोट दूं। बिल्कुल सही बात है तेरी, इतना भ्रष्ट हो सकते हैं ये लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तो फिक्र ना कर, मेरे पास भी इनका इलाज है। कैसा इलाज? देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए सुबेदार जी, इसलिए मैं चला गया था। अरे नहीं भाई, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, उम्र भर देश की सेवा की है, उसकी रक्षा के लिए काम किया है, तो फिक्र ना कर, तेरे वोट की सुरक्षा और रक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। जी, ऐसे भ्रष्ट लोगों से निपटने का हथियार हमें दिया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं सुबेदार जी। अरे अभी समझ जाएगा, देख रामोतार, वोट के लिए लोगों को रिश्वत या किसी भी तरह का प्रलोभन देना, उन्हें धमकाना या फिर जाति धर्म के नाम पर वोट डालने को कहना, ये सरासर गलत है, एक अपराध है। अच्छा, लेकिन सुबेदार जी कल तो गुट बना के आ गए थे हमारे घर, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकवास करे जा रहे थे, मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे थे। राम अवतार, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, देख
चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों की शिकायत के लिए बहुत बढ़िया समाधान किया है। अच्छा? हाँ, चुनाव आयोग ने एक सी विजिल ऐप बनाया है। अच्छा, और इससे होता क्या है? अरे, सी विजिल ऐप का इस्तेमाल कर तू इनकी शिकायत कर सकता है, फिर देख इनकी खैर नहीं। अच्छा सुविधा जी, लेकिन इसमें करना क्या होता है? अरे कुछ नहीं, जो कुछ करेगा वो ये तेरे हाथ का एंड्रॉयड फोन करेगा। अच्छा। अरे बहुत ही आसान है, और हाँ, तुझे कहीं भागने की जरूरत भी नहीं है। अगर अगली बार वो तेरे पास आए तो उनसे बात कर, अगर किसी तरह का प्रलोभन, लालच या रिश्वत देने की कोशिश करें तो तू इस ऐप से फोटो खींच सकता है या फिर गलत व्यवहार का वीडियो भी बना सकता है। अरे वाह। हाँ। मतलब अपने ही मोबाइल से? और क्या, पड़ोसी के मोबाइल से? अरे अपने ही मोबाइल से बना सकता है भैया रामोतार। समझ गया, बस हमें अपने मोबाइल में सी विजिल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ। और हम ये भी समझ गए सूबेदार जी कि कोई भी नागरिक अपने मोबाइल पर किसी भी तरह की गड़बड़ रिकॉर्ड कर आयोग में रिपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल, शाबाश। यानी किसी भी तरह की आचार संहिता के उल्लंघन पर एकदम कार्रवाई होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए शिकायत करने वाले को किसी भी दफ्तर नहीं जाना पड़ता और लिखित में भी शिकायत करने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। मतलब जहाँ हो वहीं से शिकायत भी हो जाएगी और उसका निवारण भी, है ना? बिल्कुल, क्योंकि भाई इस ऐप का मकसद है मतदाता को और ताकत देना। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज करता है तो सी विजिल ऐप GPS के जरिए कि आप कहाँ हैं ये पता कर कार्रवाई की सूचना अधिकारियों को तुरंत देता है। अच्छा जी, लेकिन सुबेदार जी एक बात बताइए, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने वीडियो अपलोड किया है तो? मेरी तो खैर नहीं, फिर आपको तो पता ही है बहुत बदतमीज है वो लोग, पैसे का ज्यादा घमंड जो है। अरे घबरा क्यों रहा है तू, सी विजिल ऐप बिना नाम बताए रिपोर्ट करने की सुविधा भी देता है और किसी को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलेगा और उनका समझ गया। अब इनकी खटिया खड़ी करता हूँ सुबेदार जी, अब आवे हमारे ऊपर दबाव डालने, हमारा वोट खरीदने, फिर ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि जिंदगी भर किसी से पैसे के बदले वोट नहीं मांगेंगे। और क्या है? आपने तो मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए सुबेदार जी, बहुत दुखी कर दिया था इन लोगों ने। अब दूंगा सी विजिल ऐप से बिजली वाला झटका। मैं हूँ एक जागरूक मतदाता, इनके प्रलोभन में नहीं आता, क्योंकि सुबेदार साहब मुझे गलत काम नहीं है भाता। शाबाश मेरे भ्राता। आप सुन रहे थे चुनाव चौपाल सिर्फ रेडियो हेलो वोटर्स पर। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सी विजिल ऐप बहुत ही कारगर है और इस ऐप का मकसद मतदाता को और ताकत देना है। और हाँ, इस ऐप के बहुत से फायदे हैं और सबसे बड़ी बात कि सी विजिल एक बहुत ही कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली ऐप है और इसे गूगल प्ले स्टोर से कोई भी आसानी से डाउनलोड कर सकता है। और अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो ऐसे में आप उसका फोटो या वीडियो बनाकर उन साक्ष्यों यानी प्रूफ्स को बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं और इसे कोई भी बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर सकता है। और तो और, हर एक रिपोर्ट किए गए इंसिडेंट को शुरू से आखिर तक ट्रैक किया जाता है और उसकी जांच की जाती है। इस तरह सिस्टम में जवाबदेही आती है। सी विजिल का करंट लोकेशन वेरिफिकेशन फीचर गलत काम को रोकने के लिए एक बेहतरीन उपाय है, क्योंकि इसके जरिए गलत काम करने वालों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल। और जब ट्रैक किया जा सकता है तो उसका समाधान भी आसानी से किया जा सकता है, और वो भी 100 मिनटों के अंदर। यानी कि एक विजिलेंट सिटीजन होने के नाते अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो 100 मिनटों के अंदर आप अपनी कंप्लेन स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी शिकायत के 100 मिनटों के भीतर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन लिया गया। एब्सोल्युटली करेक्ट। और सबसे बेहतर बात ये है कि कंप्लेंट करने वाले की पहचान भी छिपी रहती है। बिल्कुल। और इस सुविधा से न सिर्फ नागरिकों में भरोसा पैदा हुआ है बल्कि चुनाव के दौरान अनहेल्दी इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस पर नजर रखने के लिए नागरिकों को इनकरेज भी करती हैं। बिल्कुल करती हैं।
और इस तरह की गलत एक्टिविटीज की सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस में लाने में भी मदद करती है। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। समय के साथ नई नई तकनीकों का प्रयोग कर देश में इलेक्शन कराने की दिशा ही बदल रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मैं अपने लिसनर्स के साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। व्हाई नॉट? वो एग्जांपल है केरल का। केरल में लास्ट इलेक्शन के दौरान बहुत सी शिकायतें दर्ज हुई और उनका समाधान भी तय समय में ही कर दिया गया। इन शिकायतों में 306 शिकायतें तो कैंपेनिंग ड्यूरिंग बैन पीरियड के तहत की गई थी, जिसमें जांच में 248 शिकायतों को सही पाया गया और इन पर कार्यवाही भी की गई थी। ऐसे ही चुनाव बूथ के 200 मीटर के दायरे में प्रचार की 496 शिकायतें दर्ज हुईं, जिसमें से सभी को सही पाया गया और हाँ, सभी पर उचित कार्रवाई की गई, यानी कि समस्या का समाधान 100%। लगभग 147,337 शिकायतें दर्ज हुई थी और उनमें से 144,789 शिकायतों को सही पाया गया और उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की गई। है ना कमाल की बात? बिल्कुल ही कमाल, इनक्रेडिबल। तो ये है कमाल सी विजिल ऐप का। आप सुन रहे हैं वेब रेडियो हेलो वोटर्स, जहां हम बात कर रहे हैं सी विजिल ऐप के बारे में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चलेंगे स्टूडियो में मिश्रा जी के पास और उनसे सुनेंगे कि आज मिश्रा जी अपने गैंग के साथ क्या गुल खिला रहे हैं। हेलो, अभी बोलछी पश्चिम बांग्ला कोलकाता थे। मैं हरियाणा ते हूँ। नानु मंडिया कर्नाटक दिंदा। बचस अनंतना कश्मीर बैठे। मैं बोला अर्दा उधमपुर जम्मू कश्मीर थमा और तू सुना रहे हो रेडियो हेलो वोटर्स। हर वोट से जरूरी, प्रत्येक वोट जरूरी, प्रति वोट जरूरी, हर वोट है जरूरी, प्रति वोट अवसरम, प्रति वोट अगत्या। बताओ आदर्श नागरिक कैसा होता है? जो गलत होने से रोकता है और उसकी तुरंत शिकायत करता है। बहुत सही जवाब, जैसे सी विजिल। भारत निर्वाचन आयोग जिम्मेदार नागरिकों के लिए लाया है एंड्रॉइड आधारित सी विजिल ऐप। सी विजिल चुनावी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक भरोसेमंद एप्लीकेशन है। शिकायत दर्ज करने से पहले आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वाली गतिविधि की केवल एक तस्वीर या 2 मिनट का वीडियो बनाओ, अपलोड करो और इस ऐप में जियोग्राफिकल लोकेशन तकनीक के कारण शिकायत के साथ कैप्चर की गई घटना स्थल की लोकेशन की जानकारी स्वतः संबंधित जिला नियंत्रण कक्ष को भेज दी जाती है, जिससे आचार संहिता उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात फ्लाइंग स्क्वाड को कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर भेज दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए सी विजिल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स पर अब शुरू होने जा रहा है इलेक्शन मुशायरा। वाह इलेक्शन वाह, सावधान। अरे कब तक रहना है सावधान मिश्रा जी? विश्राम नहीं बोलेंगे का? थक गए हम तो। अरे हाँ हाँ, विश्राम विश्राम। अरे ये कौन आया है आज? अमा गुल्लू मियां। क्या भाई चले आ रहे हैं लखनऊ से? अमा छोड़िए भी, आपके इंतजार में आंखें पथरा गई और आप अब तशरीफ ला रहे हैं जनाबे आला। जरा मुलाहिजा फरमाइए, आज एक बहुत ही बेहतरीन शेर हुआ है मेरी कलम से। किसके यहाँ हुआ भैया जी? शेर किसके यहाँ हुआ है? कोई शेर पाले है का? अरे जब फटे जूतों जैसा मुंह बंद करके रखो भैया, शेर की बात कर रहा हूँ। शेर हुआ का मतलब है कि शेर लिखा है। अमा मियां सुनाइए, हम हैं आपके कदरदान। हाँ सुनाइए सुनाइए। शुक्रिया शुक्रिया। तो भैया अर्ज किया है, इर्शाद इर्शाद इर्शाद। ब्लड प्रेशर बढ़ गया मेरा, फिर भी दिन नहीं कटता मेरा छोले भटूरों के बिन। क्या ब्लड में प्रेशर हो गया भैया? तो सीटी मार लो। अरे कवि की भावनाओं को समझो। कवि कहता है कि उच्च रक्तचाप हो गया है छोले भटूरे खा खा कर, फिर भी उनके बगैर यानी उनके बिना उनका दिन नहीं कट रहा है। वाह, संदर्भ सहित व्याख्या कर दिया आपने तो भैया। वाह, शेर में उतर गए बिल्कुल। वैसे ये चाप खाने वाली होती है, ये उच्च रक्तचाप क्या होता है भैया? चुप रहिए चुप रहिए। हाँ तो अर्ज किया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया मेरा, फिर भी दिन नहीं कटता छोले भटूरों के बिन। ईवीएम होती है पूरी तरह सुरक्षित, छेड़छाड़ करना नहीं होता है मुमकिन। अरे गुल्लू मियां जरा एक गिलौरी वाला हमको भी खिलाइए ना। हमा छोड़िए, चूने से जबान कट जाएगी, आप छोड़िए।
छोड़िए। रेडियो हेलो वोटर्स पर आप सुन रहे थे इलेक्शन मुशायरा। वाह इलेक्शन वाह। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। तो भाई मिश्रा जी की मुलाकात गुल्लू मियां के साथ तो हो ही गई और उनके शेर ने कमाल की जानकारी दी है। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने सुना कि ईवीएम वीवीपैट में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ या कोई भी उसे टैम्पर नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब बात ईवीएम की हो रही है तो क्यों ना जरा हम इतिहास के पन्ने खंगाले और अपने लिसनर्स को ईवीएम वीवीपैट के बारे में बताएं। बिल्कुल बताते हैं, और उनके लिए ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी जानकारी बड़े काम की होगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईवीएम वीवीपैट का प्रयोग देश में सबसे पहले कहां और कब हुआ था। 19 मई 1982 को केरल में हुए मध्यावधि चुनाव के दौरान पेरूर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। करेक्ट, और तुम्हें तो पता ही है कि ये प्रयोग कितना कामयाब हुआ था। लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूं कि उसी दौरान यानी 1982 से 1983 में नागालैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में और दिल्ली के महानगर परिषद चुनावों में सीमित संख्या में भी ईवीएम का उपयोग हुआ था। बिल्कुल हुआ था, और 2004 के बाद से तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनावी प्रक्रिया का आधार बनकर उभरी है। अभी तक 4 लोकसभा और 132 विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा चुका है, जो सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक कीर्तिमान है। भाई वाह, कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए हैं, है ना? हाँ। कितनी तरक्की की है हमने। लेकिन हमारे लिसनर्स ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो हुई ईवीएम की, लेकिन वीवीपैट की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई? बिल्कुल सोच रहे होंगे, ये तो उनके लिए अधूरी जानकारी है ना। अरे अधूरी है तो अभी पूरी किए देते हैं। देखिए, वीवीपैट या वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का सितंबर 2013 में नागालैंड के 51 नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इस्तेमाल किया गया था, और दिसंबर 2017 के बाद से ये पूर्ण रूप से चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गई है। राइट, और वोटर वीवीपैट मशीन से ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि उन्होंने जिस भी कैंडिडेट को वोट किया है उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है। देखिए, इसका मकसद एक ही था, वो ये कि वोटिंग सिस्टम को और मजबूत, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। हाँ, अब जरा सोचिए कि कागज के बैलेट पेपर से होते हुए हमने टेक्नोलॉजी तक का सफर तय किया है, और समय के साथ चुनावी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी ने मतदाताओं में एक भरोसा पैदा किया है। सही कहा, बात भरोसे की ही हो रही है तो मैं बता दूं कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2019 को अपने फैसले में स्टेक होल्डर्स की संतुष्टि के लिए वीवीपैट पर्चियों की संख्या की ईवीएम गणना के साथ मिलान करने के लिए मौजूदा एक मतदान केंद्र प्रति विधानसभा क्षेत्र या सेगमेंट से बढ़ाकर 5 मतदान केंद्र प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पिछले 5 राज्यों के इलेक्शन के दौरान 4,367 वीवीपैट की पेपर पर्चियों की गणना की गई, और इस काउंटिंग में इसके इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट यानी कंट्रोल यूनिट ईवीएम और वीवीपैट की स्लिप्स में कोई भी अंतर नहीं पाया गया, और इसमें कुल 4,367 में से 4,165 जनरल इलेक्शन और 202 बाई इलेक्शंस में मैच किया गया था। इस मैकेनिज्म ने चुनावी प्रक्रिया को न सिर्फ और मजबूत बनाया है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में और ट्रांसपेरेंसी और एक भरोसा भी पैदा किया है। और जैसा कि ईसीआई कहता आया है कि ये टेक्नोलॉजी यानी ईवीएम वीवीपैट पूरी तरह से विश्वसनीय है और इसमें जरा भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो सुनते रहिए रेडियो हेलो वोटर्स। हम अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होते हैं, क्योंकि अभी हम करेंगे ढेर सारी बातें। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कभी दरवाजे का लॉक डबल चेक, तो कभी खाने का बिल डबल चेक, और अब आपका वोट भी होगा डबल चेक, यानी ईवीएम का नया वीवीपैट फीचर। अब वोट करते ही आप अपने दिए वोट को पूरे 7 सेकंड तक वीवीपैट के ट्रांसपेरेंट विंडो पर डबल चेक कर सकते हैं। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। গ্রাম বাংলা থেকে শহর গলি মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলে ভোটার আমি ভোটার তুমি ভোট দিয়ে
चलो चलो सबे वोट दीते जेते हबे चलो 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 सबे वोट दीते जेते हबे। हेलो आमी बोलछी पश्चिम बांगला कोलकाता थेके आपनारा सुनछेन रेडियो हेलो वोटर्स प्रत्येक वोट जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जैसा कि हम बात कर रहे थे ईवीएम वीवीपैट के बारे में और आपने उसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल से जाना, लेकिन क्या है इसका मैकेनिज्म? आइए आपको बताते हैं कि कैसे इसका प्रयोग इलेक्शंस में किया जाता है। ईवीएम आम सी दिखने वाली एक मशीन है जिसकी सहायता से मतदाता बटन दबाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं और इस मशीन में चुनाव में खड़े हर उम्मीदवार के नाम और उसकी पार्टी के चुनाव चिन्ह का एक बटन होता है। और ईवीएम मशीन की दो इकाइयां होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट जो मतदान अधिकारी के पास होता है और दूसरी बैलेट यूनिट जिसमें मतदाता अपना मत डालता है। बस बटन दबाते ही झट से पड़ जाता है आपका वोट। और वोट डालने के लिए सबसे पहले मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट को एक्टिव यानी सक्रिय करता है ताकि मतदाता अपना वोट बैलेट यूनिट में डाल सके। और जैसे ही मतदाता अपने उम्मीदवार के लिए मतदान इकाई वाली ईवीएम मशीन का बटन दबाता है, मशीन खुद से ही लॉक हो जाती है। अब इसके बाद इसे केवल तभी खोला जा सकता है जब अधिकारी अगले मतदाता के मत डालने के लिए इसे दोबारा सक्रिय करता है। समझे? समझ गए। और इस तरह से ईवीएम एक व्यक्ति एक वोट के नियम का पालन करते हुए काम करती है। और तुम्हें पता है कि 2019 लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 1,788 मतदान केंद्रों पर 24,600 से अधिक बैलेट यूनिट को लगाया। 24,600 से अधिक बैलेट यूनिट? जी हाँ। और इसमें सबसे हैरान करने वाली जो बात थी वो ये थी कि 185 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक सूची में करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 12 बैलेट यूनिट को एक सीरीज यानी श्रृंखला में जोड़ा गया, क्योंकि हर एक बैलेट यूनिट पर केवल 16 उम्मीदवारों को ही लिया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर सराहा गया। जिस तरह लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आयोग ने कदम उठाए और इनोवेटिव प्रोसेस मैनेजमेंट किया। इतना ही नहीं, इस केस स्टडी को हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने निजामाबाद 2019 लोकसभा चुनाव को एक केस स्टडी के रूप में प्रकाशित किया जिसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। और जैसा कि ECI कहता आया है, ईवीएम वीवीपैट पूरी तरह से विश्वसनीय है और इसमें जरा भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ये एक पूरी तरह से स्वतंत्र मशीन है जिसे कोई भी बाहर से नियंत्रित या कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसके साथ ही अटैच होती है वीवीपैट। अब आप सोच रहे होंगे कि वीवीपैट कैसे काम करती है, तो वो भी बताए देते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि 2013 में निर्वाचन आयोग ने वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट जारी किया था। करेक्ट। और जिस कमरे या कंपार्टमेंट में मतदाता वोट देने जाते हैं, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट दोनों उसी कमरे में केबल की सहायता से कंट्रोल यूनिट से जुड़े होते हैं। और मतदान के दौरान मतदान इकाई से जुड़ा वीवीपैट वोट डालने पर एक प्रिंटेड स्लिप तैयार करता है और जिसमें मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी का चुनाव चिन्ह, उम्मीदवार का नाम और क्रमांक संख्या की जानकारी छपी होती है। और इस स्लिप से मतदाता उसी वक्त ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उनका वोट किसे गया है। बिल्कुल। चलिए तो अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। सब मिलके आगे बढ़ो शान से, कल को सवारो मतदान से, फर्ज यही कर्तव्य भी निभाओगे जब चुनोगे खुद ही, रोज नहीं मिलेगा ये मौका, छोड़ ना देना इसको कहीं। सब मिलके आगे बढ़ो शान से, कल को सवारो मतदान से, पहले से करनी होगी तैयारी, रखनी होगी हर एक जानकारी, अपने सपनों की भर लो उड़ान, जो चाहे पाओ कर लो मतदान। सब मिलके आगे बढ़ो शान से, कल को सवारो मतदान से। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। फ्रेंड्स,
तो हम हाजिर हैं एक बार फिर इन्फॉर्मेशन का पिटारा लेकर आपके अपने वेब रेडियो हेलो वोटर्स में, क्योंकि हर वोट है जरूरी। तो बिना देर किए आज हमारे स्पेशल गेस्ट से सीधे कनेक्ट करते हैं और पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीईओ पंजाब डॉक्टर एस करुणा राजू। ये है रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। नमस्कार सर, आपका रेडियो हेलो वोटर्स में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया इस साल किस तरह से अलग है और पंजाब में इस बार क्या विशेष कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में जरा बताएंगे। मैं आपके द्वारा हमारे श्रोताओं की मैं बताना चाहता हूँ, इस बार जो स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है 2022 वाली, ये एक्चुअली विधानसभा इलेक्शन होना है 2022 में। अच्छा। उसके लिए हम लोग इंटेंसिव करेंगे जो इस तो पहले जो कर रहे इस तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें घर घर जाके वोटर्स को आइडेंटिफाई करना है और कोई भी वोटर छूट ना जाए, इस मुहिम को लेकर हम लोग तैयारियां कर रहे हैं इस बार स्पेशल समरी रिवीजन के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, कोविड के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं? जी देखिए, कोविड अपने लिए एक नया चैलेंज पेश करता है। जी जी, वो तो इस बार इलेक्शन नॉर्मली हम लोग एक नारा रहता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, न्यूट्रल इलेक्शन और सिक्योर इलेक्शन, और इस बार कोविड की वजह से हम लोग एक सेफ इलेक्शन भी हम करना जरूरी होता है। इसके लिए तैयारियां भी उसी लेवल पे हम लोग बहुत बारीकी से कर रहे हैं। कोविड संबंधी जितना भी प्रिकॉशंस है, हमारे बीएलओ जब घर घर जाएंगे और स्पेशल कैंप्स लगाएंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर्स लगाना है, मास्क लगाना है, जब भी बात करेंगे दूर रह के बैठना है, और इस तरीका जितना भी हमारा कोविड संबंधी सुरक्षा नियम है ये भी लागू करना है, और कोई भी वोटर छूट न जाए ये भी अपना दृष्टिगत रखते हुए तैयारियां करना है। ये विधानसभा अपना स्पेशल समरी रिवीजन 2022 विधानसभा इलेक्शन के लिए ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे जी। तो सर, चुनाव में रजिस्ट्रेशन से लेकर वोटिंग तक युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं? भारत की डेमोक्रेसी में युवाओं की भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग वोटर्स है जो 18 साल पूरा कर चुके हैं, उनको हम अप्रोच करना है, उनको वोटर बनाना है, उनको ये वोटर बनाने की जो प्रक्रिया, उनके एक स्पेशल एक्सपीरियंस उनको लगना चाहिए, ताकि वो जब वोटिंग का दिन आएगा वो बढ़ चढ़ कर फिर इसमें हिस्सा लेगा। ऐसे ही अपने पास कई सारे वोटर्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिसमें असी दिव्यांग वोटर्स कहते हैं, वुमेन वोटर्स हैं, और सर्विस वोटर्स हैं, एनआरआई वोटर्स हैं, और ट्रांसजेंडर्स वोटर्स हैं। क्योंकि देखो, ट्रांसजेंडर्स अपना समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, और इस बार हम टारगेट रखा है 100% ट्रांसजेंडर्स को हम अप्रोच करना है और उनको वोटर लिस्ट पे लेके आना है, और नॉट ओनली वोटर लिस्ट, उनको वोटिंग के दौरान उनको हम स्पेशल कोशिश करके फिर बूथ तक लेके आके वोटिंग करवाना है। ब्यूटीफुल सर, वेरी नाइस। तो आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स, और हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट सीईओ पंजाब, और हमारी ये कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और झट से वापस आते हैं आपके पास और जानते हैं कि कैसी हो रही है पंजाब में चुनाव की तैयारी। आने वाले बेहतर कल का आज हम भी हैं, हम किन्नर हैं, इसी मिट्टी के नूर हम भी हैं, इस देश के लिए अपना हम फर्ज निभाएंगे, कतारों में मतदान की मंजूर हम भी हैं। ट्रांसजेंडर के दिल में भी हिंदुस्तान धड़कता है, सेक्स वर्कर्स का भी मतदान पर अधिकार बनता है, इन कतारों में मतदान की मंजूर हम भी हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। आज हमारे साथ रेडियो हेलो वोटर्स पर मौजूद हैं पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू। तो सर, ये बताइए कि कोविड के चलते पोस्टल बैलेट का दायरा बढ़ाया गया है, तो पंजाब के संदर्भ में इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप कुछ बताना चाहेंगे?
कोविड के चलते हुए कई सारी बदलाव आ रहे, चुनाव कैसे कंडक्ट करना है, वोटर रजिस्ट्रेशन में कैसा हमारे चैलेंजेस है, उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार हमको एक स्पेशल फैसिलिटी दिया गया है। अच्छा। कोई भी वोटर 80 साल से ऊपर है, जिसको अपने सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनको अब पोस्टल बैलेट की सुविधा देने जा रहे हैं। इसके साथ में अगर कोविड पेशेंट है उनको भी अपन लोग ये पोस्टल बैलेट की सुविधा दे सकते हैं। हमारे पंजाब में लगभग 5 लाख वोटर्स हमारा इस दायरे में आता है, उनके लिए फिर तैयारियां भी उसी लेवल पे करना पड़ता है, क्योंकि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग एक अहम मुद्दा है इलेक्शंस में, और ये सभी चीज को अपन लोग देखते हुए सिस्टम कितना स्मूथ बनाना है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना रहे। जी जी, तो सर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वोटर्स अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सोशल मीडिया आज की जमाना में अगर यंग वोटर्स को देखेंगे उनके लिए मेन मीडिया ही हो गया समझना पड़ता है। जी, क्योंकि हर 5 मिनट में एक नया खबर आता है, और यंग वोटर्स हमेशा ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर है, नहीं तो इंस्टा है, नहीं तो यूट्यूब है, फेसबुक है, और इस तरह के जितना भी अपना प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन है, हर जगह वो अपना मौजूदगी है वो देखता है। सो इस रियलिटी को इलेक्शन कमीशन बखूबी जानता है, और हमको सीईओ ऑफिसेस के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। सोशल मीडिया हम लोग बहुत इम्पोर्टेंटली देखना है, ऑल जितना भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इलेक्शन रिलेटेड अवेयरनेस वीडियोस हैं, क्रिएटिव्स हैं, स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत सोशल मीडिया का भी हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देके काम कर रहे हैं। जी जी, तो सर आने वाले चुनाव में बूथ स्तर पर क्या रणनीति होगी? कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे जो भी स्टेट्स अभी विधानसभा इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, पोल गोइंग स्टेट्स, उनके लिए एक वर्कशॉप स्पेशली आयोजित किया है, और उस वर्कशॉप के दौरान हम बॉटम अप अप्रोच अपनाते हुए बूथ को हम एक्टिविटी ऑफ सेंटर बनाएंगे। सेंटर ऑफ एक्टिविटी हमारा बूथ ही होगा। इस बार 1200 वोटर्स की एक बूथ बनेगा, और वहाँ हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या वहाँ की बूथ अवेयरनेस के लिए कोई युवा सामने आएगा, उनको हम पहचानेंगे, और वो जब तक उनका कोई पॉलिटिकल लीनिंग्स नहीं है, ऐसे न्यूट्रल बंदा का भी देखना जरूरी होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ ऑफिस, डीईओ ऑफिस, और नीचे हमारे बीएलओ, एवरीवेयर नॉन निगोशियबल इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है। हमारे जो भी हम किसी के साथ एसोसिएशन करते हैं उनको पॉलिटिकल लीनिंग्स हम लोग जरूर देखते हैं। उसके मद्देनजर विलेज लेवल पे और बूथ लेवल पे हम कई सारे एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि विलेज लेवल पे हमारा स्टिल ट्रेडिशनल टाइप ऑफ स्वीप एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग नुक्कड़ नाटक करना है, लोक गीत का आयोजन करना है, छोटा छोटा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना है, ईवीएम वीवीपैट संबंधी जो हमारा जो फिल्म हम प्रोड्यूस करते हैं वहाँ जाके दिखाना है, मोबाइल वैन्स के उपयोग करते हुए, और विलेज में कुछ जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं कोई चौपाल लगा के इधर, वहाँ भी जाके उनके साथ इनफॉर्मली बात करते हैं, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल करना है। इस तरीका हम 360 डिग्री एक्टिविटी में विलेज को बूथ हम इस बार सेंट्रल पॉइंट बनाएंगे। इस करके इस बार हमारा बूथ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी सेंटर होगा। सर हमें आइकन्स के बारे में कुछ बताइए, और आगामी चुनाव में ये आइकन्स किस तरह से वोटर्स को प्रेरित करेंगे? लोगों के अपना जीवन में कोई एक अच्छा अचीवमेंट करता है, लोग उनकी तरफ देखते हैं, आशा से देखते हैं, अगर वो कोई मैसेज देता है उनको अपनाने की कोशिश करता है। इसी एक सेंट्रल थीम को हम आइकॉन के सिलेक्शन में यूज करते हैं, जो हमारे पंजाब के लिए आइकॉन का हमारा सिलेक्शन हो चुका है। हमारा यहाँ प्रख्यात गायक है, सही ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा जी है, और गुरदास मान जी जो इंटरनेशनली एक्लाइम्ड सिंगर है पंजाबी, और सही हमारे कोविड के दौरान कुछ फिलान्थ्रोपी में सिन्हा हीरोज उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सोनू सूद जी है, और यहाँ जिले पत्र पे भी हम लोग काफी आइकॉन्स को आइडेंटिफाई किया गया। हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी हमने आइकॉन्स चुना है, हरमन सिद्धू साहब है और डॉक्टर किरण कुमारी पंजाब में। किरण कुमारी जी एक ऐसा आइकॉन है, उनका देखने में काफी दिक्कत है, इसके बावजूद भी पीएचडी के गोल्ड मेडलिस्ट है, और उनका भाषण लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं।
तो इस तरीका हमने आइकॉन्स भी चुना है और कुल मिलाकर इस आइकॉन्स के साथ हमारे रियल आइकॉन होता है हमारे आम वोटर, क्योंकि वो जब तक अपना वोट उपयोग नहीं करता और बाकी आइकॉन्स फिर एग्जिस्टेंस में नहीं रहते। थैंक यू सो मच सर, रेडियो हेलो वोटर्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं हाँ जालंधर पंजाब तो, और तुसी सुन रहे हो रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट जरूरी है। असी चुननी है सरकार, वोटा पाणिया ने, हां जी वोटा पाणिया ने, शाबाजी वोटा पाणिया ने, बल्ले जी वोटा पाणिया ने, सानू मिलिया है अधिकार, वोटा पाणिया ने, शाबाजी वोटा पाणिया ने। वोटर जाग जा आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले पड़ाव पर और लेते हैं आपके सवालों को, यानी बारी है एपिक अड्डा की। नाउ इट्स टाइम फॉर एपिक अड्डा, ओनली ऑन रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। एपिक अड्डा में हम देश भर से आए सवालों के जवाब देते हैं और बिना देर किए लेते हैं आपके सवालों को। और आज का हमारा प्रश्न है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता क्या होती है और चुनाव में ये कैसे लागू होती है? देखिए, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और नतीजे आने तक जारी रहता है। आदर्श आचार संहिता के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए बहुत से दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका मकसद है ये इंश्योर करना कि पार्टियां और उम्मीदवार वोट हासिल करने के लिए अनैतिक तौर तरीके ना अपनाएं। बिल्कुल, और कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के नाम पर वोट ना मांगे और ना ही समुदायों के बीच तनाव पैदा करे। राइट, ताकि इससे शांति से इलेक्शन हो और समाज में किसी तरह का कोई टकराव ना पैदा हो। बिल्कुल, इसी के साथ ही एक बहुत ही अहम बात ये कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट किसी व्यक्ति की जमीन पर, घर या दीवार पर उसकी परमिशन के बगैर ना तो कोई पोस्टर लगा सकता है ना कोई बैनर। सही कहा, और हाँ, कई बार पार्टी के कार्यकर्ता दीवारों पर नारे लिख देते हैं या कोई नोटिस चिपका देते हैं, वो भी किया जा सकता है जब तक कि उस पार्टी का मालिक आपको उसकी इजाज़त ना दे दे। बिल्कुल, वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं वाली कोई भी अपील नहीं की जा सकती और धार्मिक या किसी पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, बिना इजाजत के कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात वो ये कि सभी राजनीतिक दल चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे, जिससे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित किया जा सके और मतदाता बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, भाषण होते हैं, ऐसे में पार्टी या उम्मीदवार को पहले से ही रैली के लिए रास्ते, टाइम और जगह बताकर जुलूस के लिए परमिशन लेनी जरूरी है। बिना परमिशन वो ये रैली नहीं कर सकता। करेक्ट। तो ये थी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को उनके प्रश्न का उत्तर अब मिल गया होगा। देश का नागरिक जागरूक हो रहा है और आगे बढ़ रहा है और बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहा है और किसी भी तरह की गलत गतिविधियों पर भी नजर रख रहा है। जब जागरूक होगा मतदाता तो बदलेगी लोकतंत्र की भाषा। बिल्कुल। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या मतदान से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी radiohellovoters@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स। अब समय है खबरी लाल के आने का और ECI में पिछले दिनों क्या कुछ रहा खास, उस पर करेंगे वो बात। खबरी लाल के खजाने में होती हैं भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ। तो क्या है आज उनके खजाने में?
अब देर नहीं खबरी लाल के आने में और ढेरों जानकारियां सुनाने में। हमारे खबरी लाल पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ, क्योंकि उन्हें लानी है वहां से बहुत सारी और स्पेशल न्यूज। और उन स्पेशल न्यूज को हमेशा की तरह आप सबसे साझा करेंगे कि आने वाले दिनों में देश के लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए आयोग क्या कुछ कर रहा है खास। तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि खबरी लाल लेकर आया है खबरें बेशुमार। मुझे खबरों से है प्यार बेशुमार। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। तो सुनिए आज की ताजा तरीन पहली खबर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 25 और 26 अगस्त 2021 को दो दिवसीय स्वीप कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन किया, और इस वर्कशॉप का एजेंडा था कि आने वाले 5 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर स्टेट स्वीप योजनाओं की समीक्षा करना और स्वीप के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करना, और आगामी चुनाव वाले राज्य जिनमें पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाना। और इस दो दिवसीय कंसल्टेशन वर्कशॉप को गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरों और स्वीप नोडल ऑफिसरों ने हिस्सा लिया। साथ ही नए आइडियाज और विचारों के आदान प्रदान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से भी सीनियर ऑफिसरों ने भाग लिया। इस मौके पर कई चीजों को लॉन्च किया, जिसमें आयोग ने मतदाता पहचान पत्र भेजने के साथ एक पर्सनलाइज्ड लेटर के माध्यम से नए वोटर्स तक पहुंचने की एक नई पहल की है। कमीशन ने इस पत्र को मतदाता गाइड के साथ डिजाइन किया है, जिसमें है मतदान प्रक्रिया, ईवीएम और वीवीपैट इंफॉर्मेशन, कोविड प्रोटोकॉल और बीएलओ डिटेल्स आदि। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। इसके साथ ही एक सॉन्ग बुकलेट यानी गीत पुस्तिका को लॉन्च किया। इसमें 50 गानों का एक संकलन है, जो कई भाषाओं के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ उपलब्ध है। ये भावी मतदाताओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कारगर होगी। নগর গাঁও সামরি আহা সকলাই ভূটান করি গণতন্ত্র রাখুজিয়াই Raise my hand and roll my name, stamp my vote, never be the same, find my voice and speak my mind, tell the world. শোনো শোনো দিয়ামন, সময় এলো করার নিজের দায়িত্ব পালন, বয়স 18 যদি হয়ে যায় পার, হাতে ভোটার কার্ড থাকা খুব দরকার, চলো চলো ভাই ভোট দিতে যাই, চলো চলো ভাই ভোট দিতে যাই। எனக்கு நோட்டு எனக்கு ஒரு டவுட், காசு நீட்டி ஓட்டு கேட்கும் ஆளாக்கு அவுட்டு, நம்ம உரிமை உணர்ந்துகிட்டா பெருமை, காச வாங்கி ஓட்டு போட்டா தீந்துடுமா வருமை. இஸ்கே அலாவா
माई वोट मैटर्स मैगजीन का एक नया अंक भी आ गया है। माई वोट मैटर्स ECI की एक त्रैमासिक यानी क्वार्टरली मैगजीन है, जो चुनाव कराने के अपने अनुभवों के अलावा फील्ड से जुड़ी कहानियों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर रोशनी डालती है। क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ बदला है, स्कूल भी बंद है, ऐसे में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की ऑनलाइन एक्टिविटीज के जरिए 9वीं और 12वीं के छात्रों की भागीदारी इंश्योर करने के लिए एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब से जुड़ी ऑनलाइन एक्टिविटीज की बदले हुए दिशा निर्देशों के साथ एक बुकलेट जारी की गई। इसके साथ ही कंसल्टेशन वर्कशॉप के दौरान बहुत सी अन्य गतिविधियों को भी अंजाम दिया गया। कई क्रिटिकल गैप्स एनालिसिस एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस, पर्संस विद डिसेबिलिटीज एंड सीनियर सिटीजंस, मेनस्ट्रीमिंग ऑफ इलेक्टोरल लिटरेसी एंड रिवाइटलाइजिंग ELCs, चुनाव पाठशाला एंड वोटर अवेयरनेस फोरम्स, यूटिलाइजिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया टू एम्पलीफाई स्वीप आउटरीच, लेवरेजिंग कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बूथ AC, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्वीप प्लान विद स्पेशल फोकस ऑन लो वोटर टर्नआउट एरियाज जैसे टॉपिक्स पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी किए गए। रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया और ब्राजील में चुनावों में महिलाओं की भागीदारी यानी वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस इन इंडिया एंड ब्राजील पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट ऑफ ब्राजील ने मिलकर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस मौके पर भारत निर्वाचन आयोग के महासचिव श्री उमेश सिन्हा जी ने वेबिनार में चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी होती है और हमें बहुत गर्व है कि भारत में महिलाएं चुनाव में बहुत उत्साह से भाग लेती हैं। अतीत और आज के दौर की बात करते हुए उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत महिलाओं को सीमित मताधिकार प्राप्त था, यानी आजादी से पहले चुनावों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 0.2% से 1% ही थी और स्वतंत्रता के तुरंत बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी भारत के संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया और आज 70 सालों और 17 आम चुनावों के बाद महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक हो गई है और 2019 के नेशनल इलेक्शन में वोटर्स की भागीदारी 67% से भी ज्यादा थी। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि इलेक्टोरल जेंडर रेशो के तहत भारत में 1971 के लोकसभा के बाद महिला मतदाताओं में 235.72% की वृद्धि देखी गई। है ना ये कमाल। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े बहुत से इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें महिलाओं द्वारा पोलिंग स्टेशन को मैनेज करने की पहल, जिसमें सभी महिला स्टाफ महिला मतदाताओं को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। अब जब सोशल मीडिया का जमाना है तो फिर उसे कैसे ना जोड़ा जाए। इसके लिए पहल की गई #GotInked की। #GotInked सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से वोटिंग एक्सपीरियंस को गर्व का प्रतीक बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर सेल्फी बूथों के साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे भी अपनी #GotInked की तस्वीरें सबके साथ शेयर करें। इसके साथ ही वुमेन सेंट्रिक मैसेजिंग, वुमेन फोकस्ड कैंपेन्स, मीडिया और सिम्बल्स जिन्हें महिलाएं आसानी से पहचान सकें, स्थानीय भाषाओं के अलावा फोक इमेजेस के जरिए इनोवेटिव अवेयरनेस इनिशिएटिव्स किए गए, जिससे हर महिला वोटर तक पहुंच बनाई जा सके, दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा गैस सिलेंडर पर वोटिंग मैसेजेस के जरिए गांव देहात की गृहिणी महिला वोटर तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करना, महिला केंद्रित अभियान के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित तो किया ही है बल्कि उनके वोटिंग एक्सपीरियंस को यादगार बनाया है। वेबिनार के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने उन लाखों महिला मतदाताओं को ट्रिब्यूट करते हुए एक शॉर्ट फिल्म भी चलाई और चुनावी प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अथक प्रयास को भी एक्नॉलेज किया। रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। तो ये था पिछले दिनों का लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ी और बहुत सी खबरों के साथ। अब खबरी को दें इजाजत। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी हो रहा है समय आपसे विदा लेने का। आपसे मुलाकात फिर होगी अगले हफ्ते रेडियो हेलो वोटर्स पर, जहां आपको मिलेंगी बहुत सारी जानकारियां, जिससे देश का हर मतदाता बनेगा जागरूक, सजग और जिम्मेदार, और वोटिंग करने को रहेगा हमेशा तैयार, क्योंकि उसे है अपने देश से प्यार।
तो अब हम आप सभी से लेते हैं इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक बार फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इलेक्शन आने पर वोट हमेशा करते रहिए। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या मतदान से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी radiohellovoters@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। अब दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी।